वीडियो ऑन है आपका? ऑन तो नहीं, नहीं अभी ऑन हुई नहीं, हम लोग तो देख सकते थे आपको। ओके सो ओके सो ऑल इन ऑल डिपेंड करता है कि हमारी साइकिक एबिलिटी कैसी है, थर्ड आई चक्रा हमारा कितना वर्क कर रहा है, और हम अपने क्लाइंट से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्लाइंट की ऑरा हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम क्लाइंट की ऑरा कनेक्ट कर लें, कनेक्ट करने के बाद से वहाँ से हम बहुत अच्छे से क्लाइंट को समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और हमारे लिए रीडिंग करना उतना ही हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जब आप उसके अकॉर्डिंग जब आप रीडिंग करेंगे क्लाइंट का, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप टैरो से आप रीडिंग कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने का, कोई ज़रूरत नहीं है आपको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करने का, उसको वास्तु से। न्यूमरोलॉजी की फील्ड एकदम से अलग हो जाती है। अगर हमें टैरो में ही न्यूमरोलॉजी के लिए जाना है तो उसका अलग क्वेश्चन होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए होते हैं अलग क्वेश्चन होते हैं, वास्तु से रिलेटेड अलग क्वेश्चन होते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दूंगी कि अगर किसी का सामान कहीं खो गया है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं मेरा सामान खो गया है, किधर खोया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप इसमें वास्तु कनेक्ट करके यहाँ से फाइंड आउट हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, आइए मंत्र का एक बार हम लोग चैंटिंग करते हैं, मंत्रों की चैंटिंग करते हैं एक बार। मैं चैंटिंग करूंगी, उसके बाद से साथ साथ में आप लोग भी कीजिए, इसको कोशिश कीजिए कि हर क्लास में इसको हैबिट डालने की, इस मंत्र की। आकारो विष्णु रुधिष्ठ उकारस्तु महेश्वर मकारस्तु स्मृति ब्रह्मा प्रणवस्तु नर्यत्मक। एक बार फिर से बोलूंगी, आकारो विष्णु रुधिष्ठ उकारस्तु महेश्वर मकारस्तु स्मृति ब्रह्मा प्रणवस्तु नर्यत्मक। ये जो मंत्र होते हैं, ये मंत्र अगर हर आप मोडालिटीज करने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करें, मंत्रों की जाप करें, इससे क्या होती है, जो हमारे महेश्वर हैं या विष्णु हैं ब्रह्मा है, यानी तीनों देव का हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स मिलती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, हमें एक जो बोलते हैं थर्ड आई यानी क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता है। थर्ड आई में हमें इतनी पावर मिलती है कि हम आने वाला जो भी कुछ आगे का जो भी अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं या कुछ भी, एक बोलते ना हमें एहसास हो जाना, हमें महसूस होना, वो हमारा महसूस होता है। हमारा जो पांचवा घर होते हैं फिफ्थ हाउस यानी फिफ्थ भाव, वो भी एक्टिवेट होता है। ठीक, तो हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हमें ज़्यादा मिलता है, मेमोरी हमारी शार्प होती है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। एक बार आप लोग सब मेरे साथ में आप लोग एक बार चैंटिंग कर लीजिए, मैं स्लो जाऊंगी। आकारो आकारो विष्णु रुधिष्ठ विष्णु रुधिष्ठ उकारस्तु उकारस्तु महेश्वर महेश्वर मकारस्तु मकारस्तु स्मृति स्मृति ब्रह्मा प्रणवस्तु नर्यत्मक नर्यत्मक। सो नाउ सेकंड थिंग हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग इसे कनेक्ट होकर दोइए। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है इस मंत्रा से। जैसे जैसे आप लोग चैंटिंग करेंगे ना, आप लोग अजीब से एक पावर फील होगी। ठीक है, खुद से अंदर से आप लोगों को फील आएगा एक पावर सा। अब भैया बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या हम लोग ऐसा, मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई भी मोडालिटीज हमें नहीं आंसर दे सकता है, वो सारे आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। सॉरी वैदा मैम, रिकॉर्डिंग ऑन किया है क्या? ऑन है, ऑन है, ऑन है। ओके सो बताइए सुमन मैम, आप ही स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। कोई एक फील्ड ऐसा, सब एक एक फील्ड हम लोग चूज करेंगे कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपको, हमारे पास क्लाइंटेज जो होते हैं उनकी ज्यादातर क्या क्वेश्चन होती है, आइदर हेल्थ, आइदर लव अफेयर, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ हो गया, मनी हो गया, जॉब प्रमोशन हो गया और बिजनेस हो गया, वही जॉब बिजनेस एक ही में आ गया। उसके बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर की सिचुएशन होगी कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी की एनर्जी को कनेक्ट करके हम उसकी मन की बातों को जान जाते हैं, ठीक, कि उनकी सोच कैसी है।
यहाँ तक हम ये भी जान जाते हैं कि हाँ बहनास मैम की सोच सुमन मैम के लिए क्या है, सुमन मैम उस मैम के लिए क्या सोचती हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इस लेवल की एनर्जी को हम पकड़ते हैं, चाहे वो इंसान हमारे पास हो या नहीं हो या फिर कहीं और हो। अब आते हैं, अगर किसी एक टॉपिक पर उठा के अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आती है, निपम मैम आप बताओ, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो रिलेशनशिप में मींस कोई किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो माने कि ये एंगेजमेंट तक जाएगा कि नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कि? करेक्ट। और हैप्पी मैरिड लाइफ, शुरू से हम करते हैं ना, आप लव अफेयर से शुरू करो, आप लड़का लड़की से शुरू करो। ओके, हाँ लव अफेयर फर्स्ट तो फाइंडिंग ईच अदर देन राइट पर्सन देन लव अफेयर देन मैरिज देन हैप्पी मैरिज देन चिल्ड्रन देन इन-लॉज एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। हाँ जैसा मैम का क्वेश्चन बहुत अच्छा, ट्रस्ट वर्थी है कि नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास दो, ये तो बच्चे लेकर आते हैं, ठीक है, कि हमारा एक्स बैक होगा कि नहीं होगा, एक्स बैक से हमारी रिलेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या वो धोखा दे रहा है, क्या सिर्फ सेक्स के लिए रिलेशन रखे हुए हैं, क्या उसके लाइफ में कोई और है क्या, ठीक है, ये शादी जाएगी कि नहीं जाएगी, दो लोग को मैं पसंद करती हूँ, दोनों में कौन बेटर ऑप्शन हमारे पास होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। क्या ये किसी भी मॉडलिटीज में इसकी आंसर मिलेगी? नहीं मिलती है। और क्या पावर है टैरो कार्ड में? नहीं मालूम, कि एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा होती है ना कि कभी कभी खुद भी सरप्राइजिंग लगता है कि इतना एक्यूरेसी कहाँ से आ रहा है। करेक्ट। किसी की जॉब प्रमोशन होने वाली रहती है या जॉब ट्रांसफर के, उनका रिलेशन, उनकी क्वेश्चन क्या क्या होती है यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये जॉब हमारे लिए सही है कि नहीं, और प्रमोशन होगा कि नहीं। करेक्ट। ऑफिस, और ऑफिस में सबके साथ जमेगा कि नहीं। करेक्ट। बॉस के साथ रिलेशन, बॉस को कैसे खुश किया जाए, लाइक दैट। हाँ, फाइनेंशियली कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ये सब कैसा मिलेगा। ओके, हाँ, एबिलाई है कि नहीं है, ये भी होते हैं। कोर्ट केस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में मिलते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर इशू आ रही है वो भी सारे आंसर यही समय मिलते हैं। ये कोई मॉडलिटीज नहीं देता। यस, फॉरेन अपॉर्चुनिटी, यही समय मालूम चलता है। कोई हमें चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हमें यही से मालूम चलता है, ठीक है। ए वी लाइफ से रिलेटेड सारा ही हमें मिलता है। इवन हमारा पार्टनर कैसा रहेगा, चलो वो तो एस्ट्रोलॉजी भी बताता है कि हमारा पार्टनर हमारा कैसा रहेगा, वो उससे भी मालूम चलता है। बट इससे भी एक्यूरेट आपको मालूम चलता है कि आपके पार्टनर की थॉट कैसी होगी, क्लियर। ये पूरी 78 कार्ड। अब यहाँ पे डिपेंड आता है हाउ, कैसे और व्हेन। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्हेन, जो मैक्सिमम लोगों के पास इसकी आंसर नहीं होती है, आप लोग भी कहीं ना कहीं से, कि कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, किससे होगा, ये तो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। अगर जॉब के लिए भी हो रहा है तो कहाँ पे होगा, ठीक है, कंपनी कैसी होगी, वहाँ का एटमोसफेयर कैसा होगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बस ऑल इन ऑल अगर एक सेंटेंस में अगर बोलूँ कि इसका सूत्र ये है कि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका कि हम एक्यूरेट आंसर यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। ये कुछ कोई ऐसा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो, अगर एक्यूरेट हम लोग टाइम के साथ में उनको कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि हाँ ये फेवरेबल आपके लिए टाइम है, इस टाइम से इस टाइम में हो जाएगा। इवन कुछ जो टैरो रीडर का क्वेश्चन, टैरो रीडर का क्या रहता है कि 6 महीने तक वैलिड होता है, ये उनका कहना है कि 6 मंथ तक ही इसकी रीडिंग वैलिड होती है, लेकिन नहीं, हम लोग डे यानी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग यहाँ से लेके कैलकुलेट करके हम लोग आने वाला 5 साल तक भी हम लोग कैलकुलेट करके एक्यूरेसी के साथ में आंसर दे सकते हैं। करेक्ट है, किसी को यहाँ तक डाउट, कोई ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चन है, देन आप लोग बोलिए, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कोई है, देन हम लोग टॉपिक पे जाएंगे। मैम ये 6 महीने तक वैलिड रहता है इफ एन आंसर इज गिवन? नहीं, ये मैक्सिमम टैरो कार्ड रीडर का कहना है कि 3 महीने या 6 महीने की ग्रेस पीरियड देते हैं कि 3 महीने के बाद रीडिंग इसकी चेंज होती है, ठीक है,
या 6 महीने के बाद इसकी रीडिंग चेंज होती है वैसा, लेकिन नहीं, हमारा टाइम फ्रेम वैसा होता है। और मैं भी जहाँ से सीखी हूँ, बहनाज मैम वहाँ से ये की हैं, वहाँ से बेसिक की हुई हैं, क्योंकि बहुत पहले उनसे मेरी बात हुई थी तो मुझे मालूम है। लेकिन जैसे कि वो मैम भी मुश्किल से हार्डली हम लोगों को 3 या 4 स्प्रेड बताई थी, ठीक। लेकिन इसमें स्प्रेड इतने ज़्यादा होते हैं, कम से कम 35 से 40 स्प्रेड होते हैं, 35 to 40 मिनिमम। ऐसे तो 100 स्प्रेड भी बना सकते हो, और अपनी खुद की भी स्प्रेड हम लोग बनाते हैं। आप लोग अपना भी चाहे तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने साइकिक एनर्जी के अकॉर्डिंग आप अपना स्प्रेड बना सकते हैं। वो स्प्रेड बहुत अच्छा होता है जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। जब हम लोग रीडिंग करने जाते हैं तो उसके जो आसपास की जो माहौल है वो काफ़ी सही होनी चाहिए। ये सब तो हर हम लोग मोडालिटीज में इसको हम लोग यूज़ करते हैं कि हाँ, आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए। जब हमारा इच्छा हो, हमारी एनर्जी जब हमें सपोर्ट करे, तभी हमें रीडिंग करनी चाहिए। हमें अपनी भी प्रोटेक्शन के साथ में रीडिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना प्रोटेक्शन लेयर बनाए हुए हम लोग रीडिंग कर ले, नहीं। कॉर्ड कटिंग भी हम लोग इसमें करते हैं, जब भी किसी क्लाइंट के साथ में रीडिंग करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसके बाद हम लोग कॉर्ड कटिंग करते हैं। और कॉर्ड कटिंग हमेशा करना चाहिए, नहीं तो कार्ड डे बाय डे क्या होता है ना, भारी होते जाता है, ठीक है। कार्ड से रीडिंग बराबर नहीं आती है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी कनेक्टेड हो तो कार्ड को क्लींस करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है आपकी रीडिंग का तो उसको क्लींस करते रहिए। अगर आप किसी भी ऐप से जुड़े हुए हैं, किसी कमर्शियल प्लेस पे हैं, तो वो कार्ड आप रीडिंग के लिए अलग रखिए, और अपने क्लाइंट के लिए रीडिंग के लिए आप अलग कार्ड रखिए। अगर आप लाइव आ रहे हैं तो लाइव का कार्ड अलग रखिए, और क्लाइंट के रीडिंग का कार्ड आप अलग रखिए। इस तरीके से आपको सेपरेशन बना के रखने होंगे, ऐसा नहीं कि आप एक ही कार्ड से सारे कुछ कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न होता है, वो रीज़न मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। कार्ड को कैसे कार्य करना है, कार्ड को कैसे चार्ज करना है, क्या माहौल होना चाहिए, क्या जोन होना चाहिए। जोन भी स्पेसिफिक जोन पे अगर हम रीडिंग करते हैं ना, तो हमारी जो कंसंट्रेशन लेवल होती है वो बढ़ती है, और कनेक्शन भी हमारा बहुत शार्प होता है, ठीक है। फिर एक कार्ड का स्प्रेड होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का, 5 का, 6 का स्प्रेड भी हमारा अलग अलग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग स्प्रेड होता है, ठीक है। अगर किसी की मदर आके पूछती हैं कि हाँ, मेरे बेटी के पास 3 रिश्ते आए हैं, इन 3ों रिश्ते में से कौन सा रिश्ता है, ठीक है, आने वाला टाइम कैसा रहेगा, 3ों लड़का में से इस लड़की की बिहेवियर कैसा है, 3ों लड़के की बिहेवियर आप बताओ, और आने वाला 5 साल कैसा रहेगा। ऑब्वियस है कि 5 साल जम गया तो उसके बाद से थोड़ा रिलेशन जम ही जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है। और अगर स्टेबिलिटी नहीं आना रहता है तो पूरी 1 साल में ही क्लियर हो जाता है कि हाँ, इनके बीच की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, ये सब। तो अगर हम पूरी प्रोसेस से जाते हैं, अगर हमारी कनेक्शन अच्छी रहती है, प्रैक्टिस हमारा डे टू डे लाइफ का प्रैक्टिस अच्छा रहता है, तो यकीन मानो कि इससे अच्छा आपको कोई और आपको मोडालिटीज नहीं लगेगा। जहाँ भी आपको लगेगा कि आप स्टक हो, कहीं से भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से मिल सकते हैं। आज मेरे ओमान के जो क्लाइंट थे, उनकी क्वेश्चन थी कि ओमान से वो कनाडा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका बन रहा है, फॉरेन युग बन रहा है, बट मेरे लिए डाउट ये था वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में कि ये तो खुद भी अभी फॉरेन में है, इंडिया के हैं लेकिन वो फॉरेन में है, अब वहाँ से वो कनाडा जा रहे हैं तो कैसे मैं देखूँ, ठीक। चलो ट्रांजिट में जाके देख लिया कि इनकी मूवमेंट अभी है कि नहीं है, एक वहाँ से मालूम चल जाता है, और उसके बाद से एग्जैक्ट वहाँ से कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। बट टैरो कार्ड जब मैंने निकाला तो क्लियर हो गया कि हाँ, ये ओमान जाएंगे भी, कब जाएंगे, इनका जाना कैसा होगा, इनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, इनकी वाइफ के लिए कैसा रहेगा, इनके बेटे के लिए कैसा रहेगा, ईच एंड एवरी थिंग 5 से 7 मिनट में हमें पूरी मिरर की तरह पूरा क्लियर हो जाता है। इज इट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? जिनका कैमरा ऑफ है, मैं सोची थी कि लास्ट में एक क्या बोलते हैं, कुछ सरप्राइज है मेरे पास, वो दूंगी, लेकिन जिनका जिनका कैमरा ऑफ है उनको मैं नहीं दूंगी। डेली का मैं स्क्रीन लूंगी, पिक्चर लूंगी, ताकि मुझे याद रहे कि किसका किसका कैमरा ऑफ है। अच्छा, वीडियो में भी रहेगा, रिकॉर्डिंग में भी होंगे। मैडम सबको म्यूट कीजिए ना प्लीज। किसके साइड से प्रॉब्लम आ रही है? डन, ओके, सो नाउ स्टार्ट। देखो, आप सबके पास कार्ड तो होंगे ही, कार्ड सबके पास है, बट कार्ड अभी निकालने की जरूरत नहीं है। ये बूट कैंप है, 5 डेज के बूट कैंप है, हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके, ठीक है।
तो आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग को बहुत डेप्थ में जाना है, जस्ट ये फाउंडेशन लेवल की है ये जो है। ये है कार्ड, इसको बोलते हैं। आप लोग को जस्ट अभी आप एक एक कार्ड के बारे में अब जस्ट समझना है। मोस्टली यहाँ पे जो है बहुत लोग समझते हैं, और कुछ लोग जो नहीं हैं उनके लिए ये शो कर रही हूँ। इसको बोलते हैं राइडर वेट कार्ड, ठीक है। इस कार्ड के बारे में ये बताना चाहूँगी कि कार्ड तो वैसे बहुत सारे मोडालिटीज़ है कार्ड, टैरो कार्ड का मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन ये ऐसा है कि ये ही 99% पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में 99% ये चलता है, 99% ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कार्ड चलते हैं। अगर ये कार्ड का आपको रीडिंग करने आ गया तो आपको कोई भी टैरो रीडर कार्ड है, कोई भी है, लाइक राइडर वेट हो गया, एंजल हो गया, आकाशिक हो गया, भगवत गीता हो गया, कोई भी मोडालिटीज आपका रहेगा, आप बराबर रीडिंग कर लोगे बिना अलग से क्लास लगाए हुए। लेकिन हाँ, इस पे आपको कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कमांड हम लोग एक तरीके से नहीं करेंगे, इसका कमांड हम लोग एलिमेंट को पहले बहुत अच्छे से स्ट्रांग करेंगे, ठीक। जब हमारा एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप कार्ड देखते ही आप बता दोगे। कार्ड ये जैसे ही सामने आएगा, जो पिक्चर्स कह रहा है सो तो कहीं रहा है, पिक्चर्स की मीनिंग तो मैं बता दूंगी, बट जब ये कार्ड देखते ही आपको बता देना होगा कि कौन एलिमेंट इसका स्ट्रांग है और उसी एलिमेंट का इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग टाइम फ्रेम रीडिंग करते हैं ना, तो चलो एक दो जो टाइम फ्रेम रीडिंग होती है ना, वो फिक्स है, जो मैक्सिमम बताते हैं जो भी रीडर हैं, टैरो रीडर हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ इसके थ्रू हम लोग टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर जो फिक्स है। लेकिन जब आपका ये आप कार्ड देखते ही आप बता दोगे इसके जोन, आप अगर आपका क्लियर रहेगा, एलिमेंट आपके क्लियर होंगे ना, तो आपको ये बताते हुए टाइम नहीं लगेगा कि हाँ इन टाइम फ्रेम कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कोई भी कार्ड, जितने भी कार्ड है सारे आपको देखते ही आप टाइम फ्रेम कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्योंकि कहाँ स्टक होते हैं, कार्ड का पॉइंट, कार्ड का मीनिंग तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा, कार्ड की मीनिंग तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, ठीक है। बट कार्ड को दो या तीन या चार जो भी कार्ड है, कार्ड की स्टोरी बनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वहाँ से हमें टाइम फ्रेम निकाल के देना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आपका डिपेंड करता है क्लाइंट के क्वेश्चन के बारे में, तो इसलिए बोला जाता है कि टैरो कार्ड में क्वेश्चन बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, वन लाइन क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस आपका क्लाइंट अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करके दे रहा है, तो आप क्वेश्चन को तोड़ दो, तोड़ के दो तीन चार में क्वेश्चन को डिवाइड करने रहते हैं। डिवाइड करने के बाद क्लाइंट से हम बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन का ये मीनिंग है, आपके इस क्वेश्चन में तीन चार जितने भी है इतना क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो क्लाइंट जब बोलेगा कि हाँ ठीक है, जब उसकी सहमति होगी, वो अग्री करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, देन उसके बाद से आपको 1-to-1 रीडिंग स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अगर आप सबके क्लियर होंगे, तब आप लोग टाइम फ्रेम निकाल लोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्टक आउट वहीं पे होते हैं टाइम फ्रेम में। क्लियर है? कितने लोग अग्री करते हो आप मेरे बात से? निपम मैम और ओके सुमन मैम, चलो आप लोग जबकि कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं से। कुछ लोग इंट्रोडक्शन मिस कर दिए, कोई नहीं, ओके। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सो नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पे हम सीधे बढ़ेंगे टैरो कार्ड के हिस्ट्री पे, यानी कि जो यहाँ पे जो कार्ड मैं लेकर बैठी हूँ, यानी आज जो भी जिस भी टॉपिक पे आज हमारी क्लास चल रही है, वो हो गया राइडर वेट टैरो कार्ड। ये क्लियर रहना चाहिए, ना ही ओशो जैन है, ना ही भी कोई और कोई डेक नहीं है, सिर्फ राइडर वेट के बारे में हमारी बातें होगी। लास्ट में अगर होगा तो आप लोगों के बाकी सारे डेक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। सो इसकी ओरिजिन कब हुई थी? इसकी ओरिजिन 1400 to 1500 में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 वर्ल्ड वाइड ये पूरी स्प्रेड होने लगा, यानी यूरोप में गया। उस पहले ये प्लेइंग कार्ड की तरह से यूज इसको हम लोग करते थे,
जस्ट प्लेइंग कार्ड की तरह, लेकिन धीरे धीरे जब इसको खेल खेल में अगर प्रिडिक्शन लोग करने लगे, एक्यूरेसी आने लगा, आते आते क्या हुआ 1700 to 1800 सेंचुरी में ये पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड पूरे स्प्रेड हो गया था। इंडिया में काफ़ी लेट से आया, इवन मुझे लगता है कि मैं ऑलमोस्ट 5 साल पहले जब स्टार्ट की थी तो मेरे सराउंडिंग में कोई अगर मुझे देख रहा था, कोई बच्चे बच्चे या फिर कोई भी, तो उनको लगता था मैं कार्ड से खेल रही हूँ। ठीक है, ऐसा था कि कार्ड से मैं खेल रही हूँ, उनको मालूम नहीं था कि क्या है टैरो कार्ड क्या है। फिर धीरे 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 वैसे ही मेरे सराउंडिंग के जान गए, वैसे जहाँ से जो लोग कनेक्टेड है वहाँ के सारे लोग जान गए, और जब से ये ऑनलाइन आया तब से तो मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग जान गए हैं कि क्या है टैरो कार्ड। ओके, ये दो द राइडर और वेट, ये दो लोग थे। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिल के इसको बनाया, इस डेक को, जिसके कारण पर गया राइडर वेट, इसका पर ही गया, यानी विलियम राइडर एंड मिस्टिक ए ई वेट, ये फुल नेम उनका हो गया। दोनों लोग मिलकर डेक को बनाया, डिजाइन किया जिस इनका, तो ये कार्ड के नाम ही पड़ गए राइडर वेट डेक। पहले भी जैसे बोले कि हम लोग ऑन पेपर देते हैं 95%, लेकिन 99% मार्केट में लोग ये डेक को यूज करते हैं। अगर आप इस डेक को अच्छे से, इस डेक से आप कनेक्टेड हो गए, तो बाकी सारे डेक ही आपको काफी इजी लगेगा, किसी भी डेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिंबल्स इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक एक सिंबल्स की मैं मीनिंग भी बताऊंगी, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हर सिंबल्स की अपनी मीनिंग होती है, हर सिंबल्स को कनेक्ट किया जाता है। कार्ड में कोई भी सिंबल्स हो गया, कोई भी कलर हो गया, कोई भी शेप हो गया, जो कुछ भी दिख रहा है, सबकी अपनी अपनी एक मीनिंग होती है, और सबका हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग से उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई कोई कार्ड ऐसे नॉर्मली लगता है कि अगर सिंगल कार्ड हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये कार्ड बहुत ही खराब कार्ड है, बट वही कार्ड कभी कभी कहीं कहीं अच्छा भी उसका रिजल्ट हमें दे के जाता है। अब आइए सबसे पहला कार्ड, ये कार्ड को हम लोग डिवाइड किए हैं दो तरीके से, एक कार्ड हो गया मेजर अरकाना, ठीक है, और दूसरा हो गया माइनर अरकाना। माइनर अरकाना में भी 4 कोर्ट कार्ड होते हैं, उसको अलग से डिवाइड किया गया, एक एक करके मैं क्लियर करूंगी। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग मेजर अरकाना कार्ड से स्टार्ट करेंगे। मेजर अरकाना माइनर अरकाना में डिफरेंसेस क्या है वो भी मैं बता देती हूँ अभी ही, आप लोग एक एक पॉइंट कुछ आप लोग नोट कर लो, वैसे आप लोगों को नोट्स तो ये मिलेंगे ही, लेकिन ये सारे जो कुछ हम लोग जब बोल जाते हैं ना, बोलते बोलते ये अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू बोलते हैं, जो आप लोगों को नोट्स में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। मेजर अरकाना माइनर अरकाना में मेजर डिफरेंसेस क्या है, मेजर अरकाना जो होते हैं स्पेस एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं, स्पेस एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं, यानी ये मेजर अरकाना जो कार्ड होंगे, इसमें जो कार्ड का हम किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को पकड़ के नहीं चलेंगे, इसलिए हमें इसको कार्ड को बहुत ही ध्यान से देखना होता है। रिमेडियल भी मेजर अरकाना कार्ड पे ही जाता है, माइनर अरकाना कार्ड पे नहीं जाता है। ठीक, माइनर अरकाना कार्ड पे रिमेडियल तब जाता है जब हमें 3 से 4 कार्ड 5 कार्ड या फिर हम जब गाइडेंस कार्ड निकालते हैं तब हमारा रिमेडियल वहाँ पर जाता है, क्लाइंट को हम क्या रिमेडी देंगे वहाँ से ही वो जाएगा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ अगर मेजर अरकाना कार्ड देखते हैं तो रिमेडियल वहाँ से, एस्ट्रोलॉजिकल रिमेडी वहाँ से हम लोग निकाल के देखते हैं। बाकी 4 कोर्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं 4 एलिमेंट पे डिवाइड किया गया है। पहला फायर एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट, वो चारों आपको अलग अलग मिलेगा, एस टू टेन ऐसे करके सब में आपको मिलेगा। उसके बाद से पेज हो गए, किंग हो गए, क्वीन हो गए, शॉर्ट्स, ये डिवाइड किया हुआ है, सबकी मीनिंग बिल्कुल भी अलग होगी, और मेजर अरकाना की जो कार्ड की मीनिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है, सब कार्ड के मीनिंग अलग होते हैं। अब हमारे पास आता है सबसे डिफिकल्ट काम कि हमें इसको कैसे मर्ज करके, इसको कैसे हमें कनेक्ट करना है। सो पहला कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है ये फूल। आप लोग टेक्स्ट पे मत जाना, टेक्स्ट पे आप लोग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारा काम ही है टेक्स्ट आपको रटवाना काम नहीं है। ठीक है, मेमोराइज आपको नहीं करना है, आपको कार्ड को समझना है, कार्ड से आपको कनेक्ट होना है। जब एक बार आप कार्ड से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको कार्ड को मेमोराइज नहीं करना होगा। अगर आप कार्ड को मेमोराइज करेंगे टेक्स्ट के थ्रू या जो भी मैं बोलूंगी उसके थ्रू जब आप कनेक्ट करेंगे खुद को, तो आप एक लिमिटेशन में आ जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे आपको लिमिटेशन में नहीं आना है, आप हो, सुमन मैम अलग है, नीपम मैम अलग है, बहनाज मैम अलग है, हीना मैम अलग है, आप लोग सब अलग अलग है, आप सबकी एनर्जी अलग अलग है, आप अपनी एनर्जी को यूज़ करो और यूज़ करके हर कार्ड से कनेक्ट करने का आप कोशिश करो। ठीक, ये बेसिक्स तो जो है सो है, बट आपको कार्ड से कनेक्ट करना है। तो पहला क्या बोलता है, फूल जीरो नंबर का कार्ड है, मेजर अरकाना का पहला कार्ड, यानी हमारे जो डेक है राइडर वेट डेक का, ये पहला कार्ड है। क्या कहता है पिक्चर्स का, आप देखो पिक्चर्स देख के क्या लग रहा है कि ये पूरी बिंदास है। ठीक है, बिंदास है, इसको कुछ भी पास्ट ये कैरी नहीं कर रही है, ओपन है एक्सेप्ट करने के लिए, किसको, पूरे यूनिवर्स को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन है। इसलिए बहुत ही बोलते हैं ना कि आ जाओ, जो भी आ जाएगा मेरे सामने मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, चाहे न्यू प्रोजेक्ट हो या न्यू अपॉर्चुनिटी हो या न्यू रिलेशनशिप हो, कुछ भी, शुरुआत शुरू से शुरुआत करने के लिए रेडी है। सो ये कार्ड काफ़ी ही पॉजिटिव हम लोग मानते हैं। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये कार्ड वैसे पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स डील करने का नहीं है फिलहाल। दूसरा ये है कि केयरलेस लाइक अ चाइल्ड, जब बच्चों को, जब हम कोई टास्क देते हैं किसी भी तरीके का टास्क, बच्चे हैं तो बच्चे की तरह ही टास्क देंगे उनको, बड़ों की नहीं देंगे, बट यहाँ पे क्या है, ये बच्चों से कंपेयर किया जा रहा है कि बच्चे जिस तरीके से हर टास्क को बहुत हैप्पीली लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, वैसे ही ये बड़े लेवल पे किसी भी टास्क को हैप्पीली लेने के लिए रेडी है कि जो भी आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और कहाँ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड कार्ड है द मैजिशियन, द मैजिशियन कार्ड नंबर वन। आप मैजिशियन, आप देखो क्यों ये मैजिशियन है, क्यों है, इसके पास सारे एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट हैं, और इसकी पिक्चर्स कैसे दिख रही है, लाइक अ जादूगर। ठीक है, यानी कि जादूगर, वॉन्ड्स भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है, शॉर्ट्स भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पे इसको मैजिशियन नाम क्यों पड़ा, आप ये देखो, बहुत लोगों का अलग अलग डिफिनेशन होगा, अगर जो लोग को भी थोड़ी सी बेसिक मालूम है उनसे मैं पूछूंगी कि क्यों मैजिशियन नाम पड़ा। धर्मिष्ठा मैम आप बताओ मैजिशियन नाम इसका क्यों पड़ा? कोई नहीं, आई थिंक आप लोग तो म्यूट हो ना, इसलिए आप लोगों को, ओके, मैजिशियन नाम क्यों पर आप धर्मेश्वर मैम, मैजिशियन इसलिए कि ये सब कुछ कर सकता है, इसमें इतनी कैपेसिटी है, मतलब उसके पास हर एक चीज है, हर एक एलिमेंट है, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। ठीक है, सुमन मैम आप अग्री करती हैं? मैम ये एक तो प्लीज इसका भी कैमरा ऑन है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लो, हाँ जो जो बोल रहे हैं सिर्फ उनका। हाँ सुमन मैम, आप ये ड्रेसअप भी वैसा हुआ हुआ है मैजिशियन की तरह, उसके हाथ में वॉन्ड भी है, उसके पास कप्स भी हैं, उसके पास पेंटिकल्स भी है, ये इसका ऊपर इन्फिनिटी भी है, तो कोई भी साइड कुछ भी कर सकता है ये। तो दैट्स इट, मैं अग्री नहीं करती। अच्छा आप नहीं अग्री करती? मैं नहीं करती। बेनास मैम आप बताओ। मैं तो क्लास के बाहर थी, अभी अंदर आई। अच्छा आप ना कोई नहीं, मैम आप मैजिशियन के बारे में जो कुछ भी बताए जानती हैं आप बताइए कि क्यों, क्या ऐसा है क्या कि चमत्कार कर दे मैजिशियन, क्या चमत्कार कर सकता है? मैजिशियन इज अ मैजिशियन, जो चमत्कारी है उसको ही मैजिशियन बोलते हैं। द पर्सन हु कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही कैन डू इनफाइनाइट थिंग्स, इट्स अ वॉन्ड व्हिच ही हैज, ही इज गॉट एन इंफिनिटी। I'm sorry, मेरे पास कार्ड नहीं है अभी हाथ में, मैं स्क्रीन दिखाती हूँ, एक सेकंड। Okay, see. He's got the infinity on his head, and secondly, he's got the cup. That means he can fill the cup up.
whatever you want, and obviously he's got some powers. That's the reason he's been known as a magician. Okay. जादूगर. Okay. तो it means कि अगर ये कार्ड आया तो किसी के लाइफ में भी जादू हो सकता है. वो ऐसा नहीं होता है. डिपेंड होता है कि वो किस तरफ आया है. नहीं, अभी तो हम तरफ के बात नहीं कर रहे मैम. अभी तो सिर्फ अब ये देखना है कि हाँ, अगर ये सिंगल कार्ड ही है आपके पास, अभी सिंगल आया, तो इट मीन्स कि अगर सपोज कि आपने निकाला कि हाँ आपकी फिनेंस कैसी रहने वाली है अभी आने वाला टाइम में, और ये आपका कार्ड आ गया, तो इट विल बी गुड फॉर द ऑपोजिट पर्सन. यानी मैजिक होने के चांसेस है, नॉट ओनली द गुड, मैजिक होने के चांसेस है. हाँ, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. यस कार्ड है. बिकॉज़ यू गॉट ऑल द टूल्स. हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पॉजिटिव कार्ड है. ओके, आप लोग कभी ध्यान दिएगे, इसके सारे टूल्स, एक वॉन्ड्स इसके हाथ में है, बाकी सारे टूल्स इसके टेबल पे रखे हुए हैं. ठीक है, बिहाइंड बैकग्राउंड इसका अच्छा है, एक दे रहा है यस, यानी पॉजिटिव हमें एनर्जी हमें दे रही है कि चीजें होगी. क्यों, मैजिशियन जो रहता है, मैजिक करता है, सबकी आंखें उनके ऊपर टिकी रहती है, हमें लगता है कि हाँ वो सारे मैजिक करके मतलब सच्ची कर रहा है, बट सच्चाई तो नहीं होती है. कहीं ना कहीं एक इल्यूजन वहां पे होते हैं, कहीं ना कहीं एक भ्रम, एक माया जाल वहां पे होता है. क्यों, अपनी बातों से, यानी कम्युनिकेशन पावर उनकी इतनी अच्छी होती है. ठीक, कम्युनिकेशन पावर इतनी अच्छी होती है कि ऑन टाइम वो आप सिचुएशन को बहुत ज्यादा फेवरेबल कर देते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं. बट आपकी जो एनर्जी लेवल है, यानी आपकी जो ग्रह है, आपके ग्रहों को नहीं बदल सकते हैं ये, आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, सिचुएशन को सिर्फ पॉजिटिव कर सकते हैं. अब डिपेंड करता है बाकी के रीडिंग पे कि ये कार्ड किस तरीके से काम करेगा. तो ये कार्ड उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि वहां का माहौल होगा, वहां का एटमॉस्फेयर होगा, है ना. इसके हाथ में सिर्फ वॉन्ड्स है, यानी जादू की छड़ी है सिर्फ, बाकी सारे इसके एलिमेंट्स टेबल पे रखे हुए हैं. शॉर्ट्स को देखो, ये लटा के रखे हुए. इस कार्ड को बहुत ही डेप्थ में जाके इस कार्ड को रीडिंग करना पड़ता है. लाइक ए जादूगर, ये जादूगर है, ये गॉड नहीं. अगर गॉड होता ना यहाँ पे, तो इसके पास था कि मिरेकल ये कर देता, बट ये जादूगर है. ये लोग ये एक भ्रम क्रिएट करता है, तो आपके थॉट को पॉजिटिव कर देगा अपनी बातों से. ठीक है, उस लेवल की सारी आपको बता देगा सब कुछ, एक पॉजिटिव करने की पूरी चांसेस करेगा, बट एकदम से मिरेकल करके उस चीजों को पॉजिटिव नहीं बदल सकता है. कितने लोग अग्री करते हो आप लोग? बट मैम, अगर ये जब कार्ड आएगा, ये तो आएगा तो ऐसे पॉजिटिव कार्ड, ऐसे पॉजिटिव कार्ड बट आप ये मत समझना कि मिरेकल हो जाएगा. हाँ नहीं, मिरेकल नहीं होगा, बट जो भी करोगे पॉजिटिव ही आएगा उसका रिजल्ट. हाँ, ना पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, बट मिरेकल नहीं होगा. अगर किसी इंसान के लिए अगर आता है, अगर सपोज आप लोग कोई एक यहाँ पे क्वेश्चन पुट करो, किसी के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग उठाओ. मान लो आप किसी से गए बिजनेस डील करने के लिए, ठीक है, बिजनेस डील करने के लिए गए, और आपके आपका क्वेश्चन आपका ये है कि ये इसके साथ मैं डील कर रही हूँ, ये आदमी कैसा है. ठीक है, और ये कार्ड आपके पास आ गया, आप क्या बोलोगे? That guy is good. मतलब you can't depend on him. मतलब he is not 100% trustworthy. He is like a magician who is very good communicator. Will talk very well. Will do the things, but he will not turn around like you know maybe a loss company into a profit company immediately. It's like you know correct something like that, right? Right. But क्या मैं उसके साथ deal करने जा रहा हूँ, मेरे लिए favorable है? है कि वो अपने लिए फेवरेबल है ज्यादा,
because of his his communication way of his of course he's a manipulator, but you need somebody in the business also, somebody like that, right? Right, correct. मैं आप लोगों को स्प्रेड निकाल के दूंगी, उसमें आप लोगों को रीडिंग कराऊंगी. द हाई प्रेस्टिस, नेक्स्ट. ये कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, ये कार्ड भी काफ़ी, इसको यस कार्ड बोलते हैं. अगर टैरो कार्ड में अगर किसी हीलर के लिए अगर आता है तो ये कार्ड काफ़ी ही पॉजिटिव माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये नॉलेजेबल का कार्ड इसको हम बोलते हैं. अगर जैसे कि अगर सपोज कि हमारा हीलिंग लाइन का काम है और हमारा अपना काम क्या है, डे टू डे नॉलेज को इन्हांस करना. अगर सिर्फ आप टैरो कार्ड एक सिंगल मोडलिटीज आप लेके चलते हो और खुद को आपको चाहिए कि हाँ हमें किसकी पावर चाहिए सबसे ज़्यादा, टैरो कार्ड में हमें किसकी सबसे ज़्यादा पावर चाहिए, तो द हाई प्रेस्टिस के पावर हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है. okay? क्योंकि दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ द इंट्यूशन, नॉलेजेबल. इसके पास इतने सारे नॉलेज है, इतने सारे नॉलेज है कि टाइम टू टाइम ये निकलते रहता है. जो साइड में ब्लैक है एंड वाइट है, ये दोनों की मीनिंग अलग होती है, काइंड ऑफ नन. ठीक है, सिर पे आप देखो, सिर पे भी फुल मून है और पैरों में हाफ मून है, है ना. बिहाइंड इसके पीछे में भी आप देखो, पीछे में भी काफी सारे शेप है. तो इसको जज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस लेडी को फुल ऑफ नॉलेज की लेडी बोलेंगे या फुल ऑफ नॉलेज की देवी बोलेंगे या फिर काइंड ऑफ नन हम लोग बोलेंगे, लेकिन कार्ड बहुत ही मतलब पावरफुल है कार्ड. ये खासकर इसको जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, खुद के लिए भी अगर मैनिफेस्ट करेंगे या अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए करेंगे या अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे या अपनी इंट्यूशन पावर अगर बढ़ाने के लिए भी करते हैं, तो इस कार्ड को अगर हम कैरी करते हैं तो हमारा इंट्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है. तो आप अगर एज अ टैरो कार्ड रीडर अपने करियर आप बनाना चाहते हैं, इस कार्ड को डेली सुबह में उठ के एक बार आप जरूर देखो, इसकी पावर मिलती है. ठीक है, तो जब कहीं भी आप अपना रूम में या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ एक प्रिंट आउट निकाल के इस कार्ड को लगा लेना. अब देखना फिर करियर में आपका ग्रोथ, आपका नॉलेज कितना इन्हांस होगा, शार्प होंगे एक अच्छे इंट्यूशन के साथ में आप लगाओ इसको. नेक्स्ट कार्ड द एम्प्रेस, कार्ड नंबर 3. इस कार्ड के पिक्चर से बहुत सारे लोग होंगे जो कार्ड को पिक्चर्स को देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये कार्ड क्या कह रहा है. हीना मैम आप बताओ. हीना मैम नहीं हो, आई थिंक लेट कर रही हूँ. ओके, वैदा मैम आपको कुछ आइडिया है इस कार्ड के बारे में? तेरा कुछ नहीं, पिक्चर्स देख के बोलना है, जब हम बोलेंगे तभी आएगा मैम. ऐसा कोई नहीं है कि हाँ ये सबको बहुत कुछ आता है, आप पिक्चर्स देख के आप बोलो, पार्टिसिपेट करो. आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका, आप देखो कितना सुंदर कार्ड है. मैं बोलूं? हाँ नहीं, वैदा मैम बोलेगी. बोलो वैदा मैम आप. सबसे पहला आपका, आप लोग हमेशा हर कार्ड में एक चीज देखो कि सबसे पहला इंट्यूशन आपका क्या बोलता है कार्ड देख के. वैदा मैम अगर आप सिर्फ पिक्चर्स देखती हैं तो आपको क्या लगता है? रानी है. रानी है, वेरी गुड. लाइक ए प्रिंसेस, तो वही हो गया पहला. यानी पहला आपको कार्ड को देख के इंट्यूशन आया. इंट्यूशन को डेवलप करना है हमें. ठीक है, आप अगर एक इंट्यूशन डेवलप कर लेंगी ना तो आप 10 पेज इसके ऊपर आप स्टोरी लिख सकती हैं. तो पहला आया कि रानी. ठीक, यानी हम जिसके लिए भी अगर रीडिंग करते हैं तो ये आपका, ये तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका, रही जाएगा. पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव कार्ड है. रानी हो गई तो ऐसी पॉजिटिव हो गई. कार्ड ऑफ फर्टिलिटी का भी है. अगर किसी को, हाँ किसी को भी प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो यस कार्ड है फर्टिलिटी के लिए. बहुत
सॉरी ग्रोथ के लिए भी ना। हाँ ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, प्रोस्पेरिटी के लिए काफी अच्छा है, काफी क्रिएटिविटी है इसमें, कभी ये लेडी बैठेगी नहीं। आप लोगों कार्ड में एक और जब भी रेड टैरो कार्ड आप लोग रीडिंग करते होंगे तो एक चीज देखते होंगे, एनर्जी भी फीमेल और मेल एनर्जी भी कनेक्ट करता है, ये बराबर कनेक्ट करता है मेल और फीमेल एनर्जी। ठीक है, अच्छी बहुत अच्छी माँ बनेगी ये। तो अगर किसी के आगे अगर कार्ड, ये कार्ड किसी भी तरीके से आ सकता है कि हाँ हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी, तो लाइक अ प्रिंसेस, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा तो यस फर्टिलिटी शो कर रहा है, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड होगा यस प्रोस्पेरिटी है। ठीक है, नेम फेम भी है, कंफर्ट लाइफ है, लग्जरी लाइफ भी है। अगर मान लो कि माँ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे बॉस से रिलेटेड भी अगर पूछा जाए कि कैसी बॉस है, तो बहुत मदरली टाइप की बॉस है, सॉफ्ट है, क्रिएटिव है, प्रिंस है तो क्वीन है तो नॉलेज भी होगी। हाँ, सो ओवरऑल दिस इज द यस कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड जस्ट मैम इसके बाद में वॉन्ड भी है ना। हाँ वॉन्ड भी है, तो वॉन्ड्स का फिर अलग मीनिंग आ गया, पूरा ही एकदम से स्टोरी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। वॉन्ड का क्या इसमें आएगा? वॉन्ड्स का अलग आ गया कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव भी है, ये लेडी को सेल्फ लव है, डिजायर ओरिएंटेड है, इसकी अपनी चाहत बहुत ज्यादा है। ये तो आप ये सेकंड पर्सन के लिए हमने अभी बताया ना कि हाँ ये लाइक ए प्रिंसेस है, फर्टिलिटी का कार्ड है, मदरली है, काफी क्रिएटिव है, ये सेकंड पर्सन के लिए। लेकिन अगर इंडिविजुअल इसके बारे में बताना होगा तो इसके काफी इच्छा है, सेक्स के तरफ भी इसका काफी इंटरेस्ट होगा, सेल्फ लव भी है। ठीक है, जितना ये दूसरों का ध्यान देगी, दूसरे के लिए अच्छी होगी, वो खुद के भी उतना ही ध्यान देगी। बहुत से रेस्पेक्ट हम लोग निकालते हैं इसमें से, बहुत सारे रेस्पेक्ट। इसका आप ड्रेस देखो, ड्रेस देख के आप रीडिंग कर सकते हो कि इसका ड्रेस क्या बोल रहा है, इसका ड्रेस क्या, क्रिएटिविटी भी होगी फिर। क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को, तुरवी बेटा फोन देख लो, क्या क्लियर नहीं आ रहा मैम? मैम क्या क्लियर नहीं आ रहा? हार्ड वर्किंग भी है? हार्ड वर्किंग तो नहीं है मैम, नहीं है, नहीं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है, बट हार्ड वर्किंग क्यों नहीं है मैम? आपको, आप बताओ कैसे आपको हार्ड वर्किंग लग रही है? Because she gets her work done from others. दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं। दूसरे लिए करते हैं ना, ये नहीं ना कर रही है। ये हाँ, but she believes in that, ना? ये by birth भी luck factor लेके पैदा हुई है। आप इसके पीछे के चेयर देखो, आप जितना comfort zone में ये बैठी है। Okay. है ना? दूसरों से hard work करवाती है, but she is not herself. ये प्यार प्यार से मीठा मीठा बोल के, है ना, अपनी खूबसूरती दिखा के, अपनी अच्छी ड्रेस, मतलब बोलते हैं ना, खुद को मेंटेन करके, अपना चार्म दिखा, चार्म दिखा के लोगों से सारा काम निकलवा लेगी, है ना। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग काम करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए पैदा होते हैं। ये काम करवाने के लिए भी पैदा हुई है, खुद जीने के लिए भी पैदा हुई है। जहाँ रहेगी वहां का भी माहौल बहुत अच्छा बना के रखेगी, जिसके लाइफ में होगी उसके लिए भी काफी लकी फैक्टर होगी। क्लियर? किसी को कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे? समझ में आ रहा है वहीदा मैम? मैम समझ में आ रहा है कैसे कार्ड को कनेक्ट करना है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए। नेहा बट आपको समझ में आ रही है? मेमोराइज नहीं करना है। अब देखो मैम मुझे पिक्चर ही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। पिक्चर आप लोगों को भी पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है? सुमन मैम आपको पिक्चर दिख रहा है क्लियर? नहीं मुझे पिक्चर दिख रहा है, मेरे पास कार्ड्स हैं एक्चुअली, मैं उसको देख रही हूं। ओके अच्छा मैं उसको अभी जूम करती हूं। स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है आप लोगों को?
अब दिख रहे हैं, अब दिख रहा है, दिख रहा था मैम, वैदा मैम अभी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पार्टिसिपेट करो आप लोग, आप लोग जितने भी पार्टिसिपेट करोगे, मैं अगर बोलूंगी तो दो दो लाइन बोल दूंगी, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो देखेगा कितना मजा आता है, ठीक है। अब आइए एम्परर का कार्ड, ये कार्ड देखिए, ठीक है। नेहा बेटा आप बताओ, इस कार्ड को देख के क्या फील आ रहा है? फादरली फिगर, पर्सन इज रेडी टू मूव फॉर द वर्क, और पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है इसमें, पर्सन एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, करेक्ट, ये फीलिंग आ रही है। ओके, अगर इसको पास्ट में अगर हिट करते हैं तो क्या आएगा? नो आइडिया, पास्ट की आइडिया कोई कोई भी आप बताओ, ये पास्ट में कैसा होगा? वेरी एक्सपीरियंस, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस ये हुए हैं, बड़ा स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट तो, हाँ स्ट्रिक्ट तो सही बात है, स्ट्रिक्ट तो अभी दिख रहा है, बट अगर ये कार्ड आपके पास पास्ट में आया तो ये क्या माने कि बहुत एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने, और अभी पास्ट में उनको सब बहुत सारे उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं। And he's more like a grandfather figure also, more than a father figure. Okay. Om Prakash ji, आप बताइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, सारे लोग आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और क्या लग रहा है? He's keeping a watch on someone. किसी की तरफ उनकी नजर है, किसी के ऊपर निगरानी रख रहे हैं वो, सबके ऊपर निगरानी है, सबके ऊपर तो मतलब नहीं, आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने नहीं बोला, इसकी आप इसका ये पैर देखो आप, ठीक है, आप इसका जहाँ वो बैठा हुआ चेयर देखो आप लोग, है ना, हाथ में इसके वॉन्ड्स भी हैं, इज इन कमांड, कमांड में है, ठीक है, इस सबका कमांड रखे हुए, चेयर इसका बता रहा है कि काफी इसने हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुंचा है, काफी मेहनत की, बैठने का तरीका क्या बोल रहा है, बैठने की तरीका क्या शो कर रहा है? He is the ruler. He is the मतलब सब कमांड वो देगा शायद, नहीं बैठने का सिटिंग इसका स्टाइल बता रहा है कि काफी डिसिप्लिन है ये आदमी, ये काफी डिसिप्लिन है अपने लाइफ में, ठीक है, और क्या शो हो रहा है? इसका ब्लैक भी है, इसके कपड़े रेड है और ब्लैक है, तो ब्लैक ब्लैक क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिविटी नहीं, ब्लैक नेगेटिविटी नहीं, हर जगह ब्लैक नेगेटिविटी नहीं करता, मतलब इसको आप पॉजिटिव सेंस में आप ये ले लो कि बहुत जगह अपने लाइफ को बोलते हैं ना कि हर अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, इच्छा को मारा भी है, बहुत सारी अपनी इच्छाओं को मार के यहाँ तक आया है, ठीक है, वेरी सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, सैक्रिफाइस लाइफ में इसने बहुत ज्यादा की, और आज भी इसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिजायर है, इच्छा है जो इसको पूरा करना है, अभी भी है, लेकिन जिस भी पोजीशन पे ये आके बैठा हुआ है, काफी हार्ड वर्क के बाद ही इस पोजीशन इसको मिला है, काफी मेहनत के बाद, अगर अगर एज ए फादर इसको रेट किया जाए, अगर मान लो कि किसी का आया, ठीक है, कि मेरा हस्बैंड कैसा हो गया अगर ये आ गया कार्ड, तो क्या बोलते हैं? हाँ पॉजिटिव कार्ड है, यस ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत मेजर अरकाना में बहुत रेयर कार्ड ही निगेटिव होते हैं, मैक्सिमम कार्ड पॉजिटिव आते हैं। ओम प्रकाश जी आप कहाँ हैं? आप तो क्लास में तो हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। इसमें भी ग्रोथ है मैम। यस, ग्रोथ है, काफी अच्छा ग्रोथ है, बहुत। चलो किससे मैं पूछूंगी, मुझे ये लगता है कि मुझे ही ना, बहनाज मैम आप बताइए, अगर किसी के लिए आ गया कि हाँ मेरा हस्बैंड कैसा होगा और ये कार्ड आ गया तो क्या बोलेंगे? वेरी डिसिप्लिन्ड, यस,
और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहेगा, विल बी अ लॉट नॉलेजेबल और पावरफुल। हाँ, अपने काम को लेके काफी ऑनेस्ट होगा। ऑनेस्ट, ओके। टिपिकल हस्बैंड होगा। हाँ, किसी का हस्बैंड होगा, बट ही विल बी वेरी डिक्टेटिव बिकॉज़ ही इज अ एम्परर, सो ऑब्वियसली ही विल डिक्टेट अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस मैम, जो लोग नए हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको समझ में आ रहा है? वहीदा मैम, आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? जी मैम, क्लियर हो रहा है। नेहा, आई हैव अ क्वेश्चन। इन केस इफ दिस कार्ड कम्स इन अ रिलेशनशिप देन व्हिच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? लाइक इन केस इफ आई हैव अ ब्रेकअप, whether this person will return or not, so what will be the reading? तो ये सिंगल रीडिंग हम नहीं कर सकते ना, ये तो पूरी आपकी ये हो गई, एक क्वेश्चन है प्रॉपर। जैसे यस और नो में हम बता सकते हैं, बट ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे यस और नो का नहीं है, है ना? तो उसका जब हम लोग रीडिंग करेंगे उस टाइम में इस क्वेश्चन को लेंगे। नहीं, मैंने वो रिटर्न आएंगे कि नहीं, शी इज आस्किंग ना, सो इट्स अ यस और अ नो। नहीं मैम, तो भी इससे नहीं मालूम चलेगा। नहीं चल, ओके। एंड दिस पर्सन इज वेरी, जो कोई पूछेगा कि हाउ विल माय हस्बैंड बी, तो वी कैन से कि ये लड़का उम्र में थोड़ा बड़ा रहेगा। नहीं, उम्र में बड़ा नहीं होगा मैम, उम्र में बड़ा नहीं होगा। अच्छा, उम्र ठीक ही रहेगा, बट ये काफी एक्सपीरियंस होगा, मतलब जितनी एज होगी उससे ज्यादा इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होगी। नेक्स्ट कार्ड द हायरोफेंट, ये भी कार्ड काफी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा कार्ड है। इसको द हायरोफेंट को लाइक अ प्रीस्ट, लाइक अ गुरु, एक हाई पोजीशन बोल सकते हैं, बॉस की पोजीशन भी दे सकते हैं। घर में है तो घर का बॉस हो गया, ऑफिस में है तो ऑफिस का बॉस हो गया, ठीक। या फिर आपकी लाइफ में भी दो फ्रेंड भी होते हैं, तो दो फ्रेंड में एक फ्रेंड जो होती है ये दूसरी फ्रेंड को एक बॉस की जगह देती है कि हाँ ये मुझे जो भी, या फिर सिस्टर में बड़ी सिस्टर हो गई कोई ऐसा जो एक गुरु की तरह दूसरे को गाइड करे। अगर आपके पास हुआ है तो गुरु की तरह आपको गाइड करे। बृहस्पति का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये, ठीक। बुद्धि का भी कार्ड है, यानी आप यहाँ पे अगर जा रहे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम लेकर तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। यस कार्ड है ये। बृहस्पति इज व्हाट लाइक एक्चुअली? बृहस्पति इज लाइक अ जुपिटर गुरु, गुरु। और कार्ड ये किसका कार्ड है? मर्क्यूरी का कार्ड है। मर्क्यूरी का है, सो दोनों को हम लोग कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट कार्ड द लवर्स, ये कार्ड भी काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा कार्ड है। अब इसको किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इधर लव हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सोलमेट हो गया, एंजल ब्लेसिंग्स हो गए, दो फ्रेंड्स के बीच में भी आ गया, किसी काम के पर्पस से भी आ गया, किसी भी तरीके का अगर आता है, जैसा भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका रीडिंग करते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स इसको मिली हुई है। यहाँ पे कोई आप मुझे बताओ कि ये न्यूड न्यूड इमेज का क्या मीनिंग है? फिजिकल अट्रैक्शन? नो नो नो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, राइट? यस राइट। फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन तब होता है जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बट व्हेन दिस कार्ड कम्स मींस दैट पर्सन इज इन अ फिजिकल रिलेशनशिप? नहीं, वो भी नहीं बोलेंगे। नहीं, ओके। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिख रहा है। द चैरियट कार्ड, कार्ड ऑफ ट्रैवल, यानी ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन आ रहा, या अगर मूवमेंट हो गया, किसी भी तरीके का मूवमेंट हो गया, नॉट ओनली ट्रैवल कि एक सिटी से दूसरे सिटी गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए, हो सकता है कि ट्रांसफर के भी केस में ये कार्ड आ जाए, सक्सेस के केस में भी आ जाए, प्रमोशन के भी केस में आ जाए, जॉब चेंज के भी आ जाए, सिटी चेंज हो गया, घर चेंज हो गया, किसी भी तरीके का मूवमेंट आ गया तो यस कार्ड है। अच्छे रिजल्ट के साथ में जो भी चेंजेस हमारे लाइफ में आ रहा है वो चीजें हमें मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड सेवन ऑफ
एट ऑफ मेजर अरकाना स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कार्ड ऑफ लव, अनकंडीशनल लव. वन सेकंड, व्हिच वन इज दिस? गिव एंड टेक का ये कार्ड, यानी जितना हम देंगे उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा, जितना हम देंगे उतना ज्यादा मिलेगा. शायद आप लव दो, यानी कि ये यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि उसको इन्फिनिटी के तरफ से उसको मिल रहा है प्यार, लव, और वो अपने सामने वाले को उसी तरीके से वो दे रहा है. तो इस पिक्चर्स को आप देखोगे तो ये पिक्चर में ये क्या है, ये जो पेट है ये क्या है? लायन है. लायन है, बट शेप इसकी कैसी है? डॉग जैसी. डॉग जैसी है. तो क्या बोल रहा है ये? वो मतलब उसके पैर में शायद वो एकदम सॉफ्ट बिहेवियर कर रहा है, उसका बिहेवियर सॉफ्ट हो गया. यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी भी तरीके का सिचुएशन, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम में आप फंसे हो तो आप अपना अनकंडीशनल सपोर्ट हो गया, अनकंडीशनल लव हो गया, आप देख के सिचुएशन को अपने फेवर में आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसको रिजल्ट आप गेन कर सकते हो. मीन्स गेन है ऑल इन ऑल, अगर देखा जाए तो गेन है, गेन का कार्ड है. अब वो आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि आपको उसको कैसे लेना है. मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट उसके लिए आपको उतनी ताकत लगानी होगी उसको यस में कन्वर्ट करने के लिए. ऐसा नहीं कि कार्ड आ गया तो यस आपको मिल जाएगा, है ना? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? मैम, इज इट दैट कि उसके अंदर इतना पावर है कि एक शेर को भी वो टेम कर सकती है? हाँ, ये भी बात है. इस नजरिए से भी हम लोग देख सकते हैं कि इन्फिनिटी इसको इतनी पावर दे रही है कि ये एक लायन को भी, एक शेर को भी अपने अकॉर्डिंग ये पेट में कन्वर्ट करती है, काबू करती है. हाँ, लेकिन आप ये भी देखो, आप ये आप बैकग्राउंड उसका देखो, बैकग्राउंड का कलर देखो, ठीक है? बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी दिख रहे हैं, माउंटेन्स भी है, माउंटेन वही कह रहे हैं, हर्डल्स भी दिख रहे हैं, रुकावटें भी काफी सारे आ रही हैं. उसके बाद भी इसको इन्फिनिटी से पावर मिल रहा है, तो उसके लिए इसको करना होगा, ये बिना किए हुए नहीं मिलेगा इसको. ऑब्वियस है कि इसमें पावर है, बट उसके लिए इतना एफर्ट इसको लगाना होगा कि ये किसी भी, कितना भी डिफिकल्ट, कितनी भी मुश्किल अगर सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपने अकॉर्डिंग उसको डाल सकती है, अपने अकॉर्डिंग वो बना सकती है, अपने अकॉर्डिंग उसकी रिजल्ट ये ला सकती है, ठीक है? इतनी स्टैमिना, इतनी पोटेंशियल, इतनी पावर इसके अंदर है, बट वो पावर को इम्प्लीमेंट करना होगा. कार्ड यस कार्ड है, रिजल्ट काफी पॉजिटिव है, बट इसके लिए करना होगा. एक तरीके की इसको सजेस्टिव कार्ड भी इसको बोलेंगे, है ना? सजेस्टिव कार्ड है. सारे कार्ड को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके भी बनाते हैं कि हाँ ये सजेस्टिव कार्ड है, ठीक, ये गाइडेंस कार्ड है, ये सपोर्टिव कार्ड है, ये फर्टिलिटी कार्ड है, ये कोर्ट केस से रिलेशन कार्ड है, ये रिलेशनशिप के लिए कार्ड है, ये ब्रेकअप का कार्ड है, ये चीटिंग का कार्ड है. सबका एक पैक बनता है. मैम, ब्रेकअप कैसे हुआ? इस कार्ड की बात नहीं बोल रही हूँ मैम, मतलब ओवरऑल हम लोग एक पैक बनाते हैं, है ना? बेटा तुरबे फोन देखो तो. हेलो हेलो, हाँ हाँ गिन्नी, मैं कॉल करती हूँ. ओके, नेक्स्ट कार्ड द हर्मिट. इस कार्ड का मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं कि अलग अलग इसकी मीनिंग होती है, ठीक. आप क्या कहती हो? पर्सन इज सीकिंग समथिंग, सीकिंग समथिंग, सीकिंग सम, कुछ खोज में है. ओके, और एंड लुकिंग विद इन, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं. ओके, अभी भी आप आंसर तक नहीं पहुंचे हो. और कोई स्पिरिचुअल नॉलेज को जैसे अंधेरे में दिया जलाना, जैसे कि अपनी एक होप की चाहत में वो निकल पड़ा है, दिया लेती हूँ. अच्छा, और कोई? अच्छा, आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये आदमी काफी एक्सपीरियंस है? या यस, ठीक है.
एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा, अब क्या है? तब ये खोज क्या रहा है फिर? इसके पास तो एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, और कुछ खोज, स्टिल ही इज लुकिंग फॉर सोल सर्चिंग, ठीक है, सोल्स या इंट्रोस्पेक्टिव, हाँ सोल सर्चिंग में ये लगा हुआ है, एक्सपीरियंस है बट इसके लाइफ में कोई ब्राइटनेस नहीं है, है ना, ये खुद में ही लगा हुआ है खोजने के लिए, क्या इसको चाहिए, इसको अभी तक मिला नहीं है जो चीजें इसको चाहिए, ये कहीं और कुछ नहीं खोज रहा है, या बाहरी दुनिया में कुछ नहीं खोज रहा है, ये अपने लाइफ में खोज रहा है, ठीक है। नॉलेजेबल काफी है, बहुत नॉलेजेबल है, जो पूरी दुनिया को ये देना चाहता है, लेकिन इसको अपने लाइफ में चाहिए, ठीक है। ये कार्ड बहुत हद तक कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, और ये कार्ड कभी बहुत हद तक निगेटिव भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके हाथ में वॉन्ड्स भी हैं, इसके हाथ में एक लाइट है, एक होप है, है ना? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? मैंने वाइट पे खड़ा हुआ ना, वाइट उसका मतलब क्या हुआ? वाइट पे खड़ा है आदमी, काफी ऑनेस्ट है ना, योगी टाइप का है, इसके मन में कुछ नहीं है, लाइफ में इसने अपनी नेगेटिविटी इसने खुद ही, मतलब एक सच्चाई के राह पे चल के एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना, हर्डल्स अपने लाइफ में जो लाते हैं ना, इसने वो लाया है, ठीक है। लाइफ में इसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ झेला है, काफी इसने एक्सपीरियंस किया है, नेगेटिव एनर्जी ये नहीं है। मैं आप लोग, मैम जिसके तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज आप लोग म्यूट कर लो, है ना, क्योंकि एक एक को मैं म्यूट अनम्यूट करूंगी तो बहुत टाइम जाएंगे, आप लोग सब जहां से भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग काइंडली म्यूट करके रखो। ये नेगेटिविटी नहीं है, कहने का मतलब इसके लाइफ से ब्राइटनेस जा चुकी है, ठीक है, और इसने एक ही योगी टाइप का एक सच्चा आदमी है, और ये लोगों को नॉलेज देने का ही इसका पर्पज था, सिर्फ सिर्फ, और लोगों को इसने नॉलेज दिया और लोगों के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, बट ये स्टिल अपने लिए कुछ न कुछ अभी सर्चिंग में है, अपने लिए ही कुछ करना चाहता है, अपने अपने सोल को, अपनी आत्मा का सर्च में लगा हुआ है, इसको अभी तक खुद नहीं समझ में आया है कि हाँ मैं इस धरती पर आया हूँ तो क्यों आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ब्राइटनेस लाइए, क्या लाइए, लाइफ में थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस लेकर आइए, ये बोलते हैं, और लाइफ में जीने का थोड़ा सा तरीका बदलिए। But this is not a positive card, ना? हाँ, ये पॉजिटिव कार्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हो गया ना, हम लोग तो सजेशन इन्हीं को दे रहे हैं कि आप सोल सर्च में लगे हुए, ठीक है, आप सोल को सर्च कीजिए, आप जो भी सर्च कीजिए, वॉन्ट्स है ना, जीने की इच्छा इनको भी है, इनके अंदर भी एक्साइटमेंट है, लेकिन वॉन्ट्स का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, वॉन्ट्स का कलर आप देखो चेंज हो गया बिल्कुल, और वॉन्ट्स का कलर ही चेंज होते ही इसका पूरा मीनिंग बदल गया। और किसी का यहाँ पे कोई ओपिनियन है? एनी? किसी का और कोई ओपिनियन? बेनाज मैम आप बोलो। He is actually a loner. हाँ, सन्यासी, सन्यासी है, हो गया ना, मतलब योगी टाइप का है। बट एक्सपीरियंस्ड है, करेक्ट, एंड ही हेल्प अदर्स आल्सो, हाँ बिल्कुल, बट ही कांट डू फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियस है कि हेल्प तो करेगा ही करेगा, है ना? और बताओ आप लोग, जितना आप लोग बोलोगे उतना ज्यादा आप लोगों का नॉलेज ये होगा, इनहांस होगा। कोई और पार्टिसिपेट करो आप लोग। वो बर्फीले इलाके में खड़ा है तो व्हाट डज दैट डिपिक्ट? नहीं, अच्छा चलो एक लाइन में मैं बता रही हूँ, इतना ज्यादा आप लोगों को अभी मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, अभी बेनाज मैम भी बोली कि क्या है ये, एक तरीके का
योगी है, सन्यासी है, ठीक। ये काम क्या कर रहा है, इस कार्ड को अगर बोलते हैं तो ये अपने अंदर, अपने भीतर की तरफ ये जा रहा है। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, इतना ज्यादा ये लोगों के लिए जो भी वॉट एवर ये जो किया है एक्सपीरियंस इसने लिया है, लेकिन आज के डेट में ये खुद को खोजने में लगा हुआ है, यानी अपने भीतर जा रहा है। क्योंकि बाहरी दुनिया में करते 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 ये अब समझ चुका है, ये सारे चीजें अब देख लिया है कि जितना भी ये किया उसके करने का कोई फायदा नहीं हुआ इसको, ठीक है। एक टाइम में बहुत लोग होता है ना कि करते करते उब जाता है, तो अब उसने जिन सवालों को उसको जवाब चाहिए वो बाहरी दुनिया में खोजा, पहले उसको खोजा लेकिन उसको नहीं मिला। बाहरी दुनिया में क्या खोजा, क्योंकि इसने अपनी एक्सपीरियंस से लोगों के लिए किया, वांड्स का कार्ड है, इसने काफी ज्यादा किया, लोगों का काफी मदद किया, बट उसको जिस सवाल का करने के बाद भी उसको उस सवाल के आंसर इसको नहीं मिले, इसलिए इसको अब समझ में आया है कि ये जो सवाल का आंसर इसको चाहिए बाहरी दुनिया में मिलना असंभव है, इम्पॉसिबल है, अब उसको नहीं मिलेगा। इसलिए उसे अब अपने अंदर झांकना होगा और अपने अंदर झांक के उस सवाल का, यानी जो क्वेश्चन इसके मन में उठ रहा है उसको समझना होगा अपने अंदर। तो ऑल इन ऑल क्या हो गया, अब इसको हम रीडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रीडिंग में ये कन्वर्ट करेंगे, जिस तरीके का भी क्वेश्चन आता है रीडिंग में ये कन्वर्ट करेंगे कि आपने जो भी आपका एफर्ट लेवल है, जो भी आपका नॉलेज है, ठीक, आपने उसको स्प्रेड किया, आपने, ठीक है, आपने काम किया, ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया, बट फिर भी जो आपका, जो आपको आंसर मिलना चाहिए, यानी कि जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए आपको नहीं मिला, दूसरे पे आपने डिपेंडेंसी भी दिखाई, अपना फैमिली हो, फ्रेंड हो, ऑफिस हो, जहां भी हो, वॉट एवर, लेकिन नहीं, वो चीजें आप अपने अंदर खोजिए कि इसकी सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर सपोज रिलेशनशिप भी आपका अगर खराब हुआ, आप अपने अंदर झांकिए कि कहां पे रिलेशनशिप आपका क्यों खराब हुआ, कैसे खराब हुआ, किसके कारण खुद पे फोकस नहीं किया, खुद पे, हाँ, ये आंसर आपको अपने अंदर से मिलेगा। आपने परिवार को ब्लेम किया, चाहे जो भी किया, या जो भी वॉट एवर जो भी माने आपने फाइंड आउट किया, अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरफ फाइंड आउट किया, बच्चों को टारगेट, जिसको भी बनाया, लेकिन नहीं, अभी सही टाइम है, आपको अपने अंदर फोकस कीजिए, अपने अंदर उस सवाल का आंसर लीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आया लाइफ में तो क्यों आया। क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या, कौन सा सोल सर्च में लगा है ये, यानी जो भी क्लाइंट आपका प्रॉब्लम लेकर आया आपको वहां पे सीधे यही बोलना है कि आप अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या करना है। और आपको तो बाकी जब स्प्रेड हम लोग डालते हैं तो स्प्रेड से हमें गाइडेंस मिल ही जाता है कि हाँ उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को, मैक्सिमम लोग को ये कार्ड में कंफ्यूजन तक क्लियर हुआ है। अब आते व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड नंबर 10, यानी व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी इसको बोलते हैं कार्मिक कार्ड, कर्मा का कार्ड है, ये चलते रहता है हमेशा, व्हील इज मूविंग, पॉजिटिव न्यूज देगा, यस कार्ड है, कार्ड अच्छे है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं चल रहा है, उसकी रिजल्ट भी अच्छी ही आएगी, उसका टेंशन नहीं है, यानी, लेकिन अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन क्या लगा, दिस इज द कार्मिक कार्ड, सो जो जो आप किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, बट मिलेगा, अगर आपने 10% दिया है तो 10% रिजल्ट मिलेगा, 100% दिया है तो 100% मिलेगा, बट रिजल्ट तो मिलेगा ही, रिजल्ट रुकेगा नहीं। क्लियर है, ये कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये कार्मिक कार्ड, ये कैसे, क्योंकि चल रहा है ना, व्हील चल रहे हैं और इतने सारे सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स के, सारे सिंबल्स के मीनिंग होते हैं, वो सिंबल्स के अकॉर्डिंग बताते हैं। पीछे क्लाउड भी आप देखो है ना, क्लाउड भी है, क्लाउड भी क्या कहता है, क्लाउड को हम लोग बोलते हैं सोर्स, यानी सोच, एयर एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा है, तो उनकी सोच भी कहीं ना कहीं, एंजल भी है, ईगल भी है यहाँ पे,
ट्रांसफॉर्मेशन का भी यहाँ पे शो कर रहा है, डुअलिटी भी शो कर रहा है, बहुत सारे चीजें यहाँ पे शो हो रहा है। तो सारे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक एक सिंबल्स पे जब हम लोग जाते हैं तो सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं, और बाकी जो आसपास के जो कार्ड आएंगे उसके हिसाब से कि इनकी कर्मास कैसी है, अच्छी है बुरी है, इसकी रिजल्ट कैसी आएगी वो बताएगा। बट जब सिंगल कार्ड हम लोग निकालेंगे यस और नो के ये पे, तो दिस कार्ड इज यस कार्ड, और लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्शन वहाँ पे ये लगेगा कि कर्मास का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, तो जो किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर बैठे हुए हैं कुछ उन्होंने किया नहीं और रिजल्ट उनको यस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसके अभी डिस्टर्बेंस दे रहा है प्लीज आप लोग म्यूट करो। जस्टिस का कार्ड, कार्ड नंबर 11, जस्टिस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जज हो गया, यानी इसको बोल देंगे सैटर्न शनि वेइंग योर कर्मा, हमारे कर्म को कैलकुलेट कर रहा है और उसकी उसी के अकॉर्डिंग ये देगा। ये कभी भी, यानी कि इस कार्ड को मेबी का कार्ड बोलते हैं, रिजल्ट सही अच्छे भी आ सकते हैं, रिजल्ट बुरे भी आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर यस भी आ सकते हैं, नो भी आ सकते हैं। लीगल इशू का भी कार्ड है, कार्ड ऑफ लीगल इशू, अगर आप सही डायरेक्शन में गए हैं, सही से सब कर रहे हैं तो यस है, और नहीं तो फिर होगा कि तब आप क्या मतलब है, फिर तब तो आंसर नहीं मिला ना, 50-50 मे बी का कार्ड आ गया क्या। तो उसके बाद से हम लोग जाएंगे बाकी सारे सिंबल्स को हम लोग पकड़ेंगे। शॉर्ट्स, इसका देखो शॉर्ट्स के डायरेक्शन क्या है, दूसरे हाथ में क्या है, वेइंग, यानी कि ये जो है ये इसको प्रूफ चाहिए। ठीक है, ये दिल से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, दिमाग से सिर्फ काम करेगा, और जो भी इसके पास प्रूफ आएंगे, जो भी सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंग इसको रिजल्ट मिलेगा, है ना। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? मैम साइड पे पिलर्स हैं। हाँ, साइड में पिलर्स है, बैक में रेड है। हाँ, इसमें भी ब्लैक है बेड में। हाँ, ये तो ब्लैक और येलो, ये तो बाद में ही दे रहा है, आप पहले ये और क्या क्वेश्चन क्या आप बताओ। पिलर्स का, कलर्स का, कलर्स क्या बोलता है, रेड कलर क्या बोलता है? नो नो, पिलर्स का मैम, पिलर्स क्या बोलता है, पिलर स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं बोलता है पिलर्स, ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये बंधन में है। ठीक है, ये इसके हाथ में कोई पावर नहीं है, इसको वैसा एक जगह मिला गया है जो जजमेंटल होने के लिए, मतलब आप क्या बोलोगे कि अगर कोई आता है आपके पास, ज्यादातर मेरे मैं देखती हूँ कि जब कहीं चोरी होता है ना, कुछ चोरी का जब चीजें होती है, कुछ सामान खो गया रहता है, उसमें ये कार्ड आ ही जाता है, ये हमेशा ही ये कार्ड आ जाता है। ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या है कि मतलब चीजें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये कार्ड आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत डेप्थ में जाएंगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे यही है, इसको आप समझो कि ये सैटर्न की तरह ये काम करता है, आपकी कर्मास को कैलकुलेट करता है ये, यानी अपने पास्ट में जो भी आपने किया है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये चोरी के कार्ड में मेरे साथ ये बार बार क्यों आता है, उसका ये हो जाता है, उसका उसका भी बहुत सारे होता है कि उसका हम लोग रिजल्ट निकाल ही लेते हैं कैलकुलेट करके, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी तक के लाइफ में 60-70 चोरी का मैंने रीडिंग किया होगा, हर बार ये कार्ड निकलता है ना। तो फिलहाल आप लोग को यही समझना है कि ये क्या व्हाइट शू क्यों नहीं दिखा रहा, व्हाइट पैर, हाँ दिखा रहा है ना, एक ही पैर दिख रहा है, एक पैर अंदर है, एक पैर इसका अंदर है, कहीं ना कहीं ये भी बंधा हुआ है ना, ये बंधा हुआ है, इसकी इच्छा है, इसका खुद का भी थॉट है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये ना ही खुद के थॉट से कुछ बोल सकता है, खुद के इच्छा से बोल सकता है, ठीक है, ना ही खुद के नजरिया से बोल सकता है, सामने इसका बिल्कुल सामने फेस है, इसको अथॉरिटी जरूर मिली हुई है, ठीक है, कि आप जज करो, आप बताओ,
लेकिन ये नहीं बताएगा, क्योंकि दोनों ही, एक तो इसके ये दिमाग से सोचेगा, शॉर्ट्स इसके ऊपर की तरफ, यानी सोच के तौल के, मतलब बोलते हैं नाप तौल के, उसके हिसाब से ये रिजल्ट देगा। तो सिचुएशन जैसा होगा, सिचुएशन जो बोलेगा उसके हिसाब से ये रिजल्ट आएगा। द हैंगमैन, इस कार्ड में भी बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जितने लोग जहां से भी पढ़ के आते हैं ना, सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है। द हैंगमैन मैम, इसको अगर उल्टा सीधा कर दे कार्ड को तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, ये पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन अभी फिलहाल ये काम कार्ड क्या बोलता है, फिलहाल ये कार्ड ये बोलता है, इसको सिंपल लाइन में बोलते हैं, कार्ड ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव है, एक सर्टेन टाइम के लिए ये कार्ड निगेटिव हो जा रहा है, सर्टेन टाइम के लिए। यानी हम लोग इसको दो तीन तरीके से भी हम लोग रीड करते हैं। एक ये होता है कि इसने सरेंडर कर दिया, ठीक है, जो भी काम था, जो भी उलझने थे, जो भी था, सीधे बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, एक उस केस में सरेंडर कर दिया तो हो गया नो कार्ड, हार मान गया इसने। दूसरा ये होता है कि सरेंडर इन द सेंस कि सर्टेन टाइम के लिए सरेंडर करने के लिए इसको बोला जा रहा है। अगर कार्ड की पूरी पिक्चर्स पे आप जाओगे, कार्ड के पिक्चर्स के हिसाब से अगर आप रीड करोगे, तो इनको प्रॉपर इनको बोला जाता है कि आप कुछ टाइम के लिए आप आराम के मोड में चले जाइए, मेडिटेशन के मोड में चले जाइए, ठीक है, द हर्मिट, द हर्मिट वाले रोल में आप चले जाओ कुछ टाइम के लिए, और वहाँ से फिर आप निकलो हफ्ता भर, यानी हॉलीडे पे जाना आपको ज़रूरी है, हॉलीडे पे आप जाइए और वहाँ के बाद से आइए फ्रेश माइंड से आके काम कीजिए। समझ में आ रहा, नजरिया बदल जा रहा है इसका, तो जहां पे जैसा ही आएगा उसके अकॉर्डिंग से इसका तुरंत इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, है ना। कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। मैम उसका क्या लिखा है, तभी कर सकते हैं जब कुछ जानकारी होगी। नहीं, हाँ बात बिल्कुल सही बोले आप, एकदम सही, करेक्ट बोले। तो मैं वही बोली ना कि ये सरेंडर का कार्ड है, द हैंगमैन, हैंगमैन। अगर सपोज ओम प्रकाश जी सही नाम बोले, अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आपको आता है कि आपको आपको बोला गया कि आप मुंबई चले जाइए, ठीक, मुंबई जाने का आपने प्लानिंग कर ली, सब कर ली, और ये आपने रीडिंग करवाया कि हाँ मैं जिस काम के लिए मुंबई जाना चाह रहा हूँ तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और ये कार्ड आपको आ गया, तो यहाँ पे तो आपको नहीं बोला जाएगा ना कि आप मतलब सरेंडर कर दो, आप बोल दो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप जाना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से तैयारी कर रखे हैं आप जाने के लिए, लेकिन ये कार्ड आ गया तो ऑब्वियस एक नो कार्ड है ये, यहाँ पे क्लियर कट करके है कि हाँ आप जाइएगा तो जिस काम के लिए भी जाइएगा वो काम आपका नहीं होगा, बेटर है कि कुछ दिन आप रुक जाओ, रुक जाइए उस काम में, आप मत लगाइए, है ना, क्योंकि आप इसका पोस्चर देखो, इसकी आपका हाथ का पोस्चर देखो, इसका सिर का पोस्चर देखो, पैर का कलर आप देखो, जूते का आप कलर देखो, एक पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, उल्टा भी सोया है तो पूरी राजा महाराजा की तरह सोया है, एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो बिल्कुल इसकी रीडिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी रीडिंग होगी। नेक्स्ट कार्ड डेथ का कार्ड है, जो सुन के ही लगता है कि काफी निगेटिव कार्ड है, निगेटिव कार्ड है नो डाउट, ये बहुत निगेटिव कार्ड है, लेकिन साथ में निगेटिव कार्ड के साथ साथ में ये पॉजिटिव कार्ड भी है। क्यों पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स तो है ही, व्हाइट हॉर्स है, पॉजिटिव कार्ड इस सेंस में है कि किसी चीज की अगर एंडिंग हो रही है तो शुरुआत भी किसी चीज का यहाँ पे हो रहा है, यानी जो भी पुरानी चीज था उसकी एंडिंग हो गई, और वो जब खत्म हुआ यानी कि सनसेट हो गया, सनसेट हुआ तो अंधेरा हुआ तो सुबह भी तो होगा अगला दिन, ये कार्ड आप इसी तरीके से समझो कि अभी जस्ट ये पूरी रात भर के लिए रात हुआ है, अंधेरा हुआ है, अगला सुबह फिर सुबह होगा और उजाला लेकर रोशनी लेकर हमारे जीवन में फिर से आएगा। लेकिन निगेटिव कार्ड क्यों हुआ, क्योंकि एंडिंग हो गई, खत्म हुआ, कुछ तो डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ तो बर्बाद हुआ हमारे लाइफ में, कहीं तो हमें झटका दिया, है ना,
यानी टाइम फॉर चेंज, ये टाइम है बहुत ही मुश्किल टाइम है। अब जिस भी जगह पे आया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जहां भी आया, जिस तरीके का हम स्प्रेड डालेंगे, जैसा भी जिस पोजीशन पे आएगा, वहां पे एक लॉसेस शो कर रहा है, लॉस तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। इसलिए इस कार्ड को डेथ कार्ड बोलते हैं। आज के लिए ये कार्ड लास्ट कार्ड है, कल हम लोग फिर यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 14। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी डाउट है, 5 मिनट है, आप लोग प्लीज क्लियर कर लो, है ना? मैम डाउट तो तब कर सकते हैं ना, जब हमको कुछ जानकारी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, आप सुना रहे हो और हम सुन रहे हैं आपका। लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन रीडिंग करूंगी। बहुत अच्छा है, चलिए जी। इसी माइंड, इसी थॉट से आना चाहिए कभी भी कोई भी क्लासेस ले रहा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा होता है कि अपना दिमाग लगाते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्शन, ब्लॉकेजेस आने लगता है। तो जो सामने मिल रहा है पहले उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? बाकी किसी का आप लोग का कोई भी डाउट है तो बोलो। धर्मिष्ठा जी बोलो। मैम कोई डाउट है आपको? नहीं है मैम। आप तो एक्सपर्ट हो, ऐसा लीजिए। कविता मैम प्लीज, कोई डाउट है आप बोलिए। बोलिए, जो लोग ऑलरेडी जान रहे हैं उन लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप लोग बोलिए, उसको क्लियर करेंगे। मैम जैसे आप कार्ड देख के और बताते हो कि ऐसा है, हाँ। कोई दूसरा कार्ड रीडर देखेगा, हाँ। तो वो फिर अपनी मर्जी से बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं, सबका जो स्टेट ऑफ माइंड एक तरह का तो नहीं होगा। ओम प्रकाश जी, ऐसा नहीं है, कारण मैं बता रही हूँ। ये सवाल हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी में भी उठता है, ठीक है? आप दुनिया के किसी भी ऐप से आप किसी के कुंडली या बना रहे हैं तो एक ही लग्नास चार्ट आते हैं, बट सबकी रीडिंग करने के तरीका बदल जाती है। वैसे ही टैरो कार्ड होते हैं, ठीक है? सब सबका अलग अलग कार्ड आता है, रीडिंग करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन आप अगर सेम मेरे पास आएंगे ना दोबारा, जब मैं आपका स्प्रेड निकालूंगी तो सेम वही आते हैं। एक दो कार्ड अलग आएंगे जरूर, लेकिन मीनिंग उसकी नहीं बदलती है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो रीडिंग करने का तरीका बदलता है, है ना? ऑब्वियस है ना कि अगर ये कार्ड मैं आपको दिखाऊंगी, ये कार्ड, तो मैं इसको अलग तरीके से बोलूंगी, बहनाज मैम अलग तरीके से बोलेंगी, नीपम मैम इसको अलग तरीके से स्प्रेड करेंगे, बट इस कार्ड का जो मीनिंग है सो है। क्योंकि जब हम कुंडली भी देखते हैं तो एक हाउस से, एक भाव से हम हजारों बातें बोल सकते हैं, वैसे एक कार्ड से हम बहुत सारे प्रोडिक्शन कर सकते हैं। सबकी साइकिक एबिलिटी अलग अलग हो जाती है, इसलिए सबकी रीडिंग अलग हो जाती है। मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि कोई गलत करता है रीडिंग या कोई सही, हाँ, लेकिन उनकी रीडिंग सही नहीं होती है। बहुत सारे जो ऑनलाइन रीडिंग करते हैं ना, एक एक कार्ड उठाते हैं, स्प्रेड नहीं डालते हैं, कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं, एनर्जी को कट नहीं करते हैं, एनर्जी कनेक्ट नहीं करते, फटाफट कार्ड निकालते हैं। एक एक पूजा वर्मा करके आती हैं एक ऑनलाइन में, उनका आप लोग देखना, एक बार भी स्प्रेड नहीं डालती है, फट से यू डाली और उठाया कार्ड और एक कार्ड से रीडिंग करके बता दिया, डाला उठाया रीडिंग करके बता दिया, वैसे करके वो सारी रीडिंग सही नहीं होती है। और ऑनलाइन वाली रीडिंग तो सही नहीं होती है, ऑनलाइन मैं भी आती हूँ, बट ऑनलाइन वाली रीडिंग बहुत सही नहीं आती है ना? बोलिए दीपम मैम, आपके चेहरे पे कुछ 2-4 सवाल दिख रहे हैं। जो जल्दी करेगा फिर वो सामने वाले की नेगेटिविटी। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? ओम प्रकाश जी आप कुछ बोल रहे थे? शायद कुछ तो माइक का प्रॉब्लम हुआ। हाँ बोलिए दीपम मैम, जो भी मैम दिख, कुछ तो है, कुछ सवाल तो है, इतना तो मैं और आप रीड कर सकती हूँ अभी। सबके चेहरे देख के बता सकती हूँ। नीता मैम कंफ्यूज है मैम, मतलब
मैम अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए पहले. नो आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, आई जस्ट वांट, मुझे खाली ये लास्ट कार्ड के बारे में कल हम लोग थोड़ा ज्यादा अगर बोल सकते हैं तो, बिकॉज मुझे ये कार्ड थोड़ा एकदम नहीं समझ में आ रहा है. डेथ का कार्ड मैम बहुत सिंपल है, इसको समझना बस आपको. हाँ, आप यूं समझ लो कि कार्ड ऐसे नहीं है कि बहुत, मतलब नाम के लिए डेथ का कार्ड है. Like what is this person thinking about us? तो death card आया, तो what should we, हम लोग क्या सोचेंगे ऐसा? कि ये आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और अगर death card आया तो what should we? होगा हमारे लिए बहुत खराब सोच रहा है, ठीक है, बहुत ही खराब सोच रहा है, no doubt. मतलब इस level का सोच रहा है कि यूँ समझो कि relationship तोड़ दे. अच्छा, है ना? Okay. लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट गया वहाँ पे, एक hope भी है. अच्छा, लेकिन हाँ ये है, ये समझ लो कि ये तब भी एंड होता है जब बहुत बुरा होता है. अच्छा, बहुत बुरा जाने की पूरी स्कोप है, लेकिन वहां से फिर एक नई शुरुआत का भी है. नई शुरुआत ये हो सकता है, हो सकता है उससे आपकी बातें बंद हो जाए. हाँ. या हो सकता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए, पुराने सारे चीजें वाइंड अप होके नया एक कनेक्शन शुरू हो जाए. ठीक है, राइट. कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इतने भी बुरे कार्ड नहीं है. अच्छा, सो बेसिकली इट्स अ न्यू बिगिनिंग, राइट? हाँ, न्यू बिगनिंग भी बोल सकते हैं. और अगर यस नो में आएगा तो इट्स अ नो कार्ड, राइट? यस नो में आया तो नो कार्ड हो जाएगा. बट स्टोरी मेकिंग में, स्टोरी मेकिंग में इसको हम लोग दो एंगल से इसको देखते हैं. अच्छा, सारे कार्ड में सबसे नेगेटिव कार्ड कौन सा कार्ड है बेनास मैम? सबसे नेगेटिव कार्ड कौन सा है? टावर. डेविल. Devil, हाँ. Even tower. नहीं मैम, devil card सबसे negative card. मैं उसको explain करूंगी, है ना? चलें, मिलते हैं फिर कल. Thank you. Yeah. Yeah. Bye. Bye. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.